नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। हम फिर लेकर हाजिर है आपके सामने। रोजगार समाचार, कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ कहाँ रिक्तियां हैं, सारी बातों को मैं बताऊंगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार का। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिक्तियां हैं। अंतिम तिथि है 22 अगस्त 2021। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर ने एसोसिएट डीन कम प्रिंसिपल के 6 रिक्त पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 22 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से एग्रीकल्चर अथवा हाईटेक कल्चर में PhD की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी के लिए आपको उसके वेबसाइट पर जाएंगे। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 14 के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क 1,000 रुपया सामान्य वर्ग के लिए। कैसे करें आवेदन? आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज आखिरी तिथि से पहले इस पते पर भेज दे। पता आपके स्क्रीन पे है। चयन प्रक्रिया एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अनुभव तथा इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। और एक बहुत ही बड़ा अवसर है, अंग्रेजी, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, कानून, इकोनॉमी, धर्मशास्त्र सहित अन्य विषयों के डिग्रियों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के 320 पदों पर बहाली है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसोसिएट प्रोफेसर के 320 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 23 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर हम आपको बता दें कि कहाँ कहाँ पद कितने खाली हैं, तो उत्कल विश्वविद्यालय में 44, संबलपुर विश्वविद्यालय में 20, बहरामपुर विश्वविद्यालय में 36, फकीर मोहन विश्वविद्यालय में 14, MSCB विश्वविद्यालय में 27, रैनसा विश्वविद्यालय में 52, रामा देवी महिला महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में कहा जाए महिला विश्वविद्यालय में 28, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में 22, राजेंद्र विश्वविद्यालय में 36, कालाहांडी विश्वविद्यालय में 32, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में 9। शैक्षणिक योग्यता है 55% अंकों के साथ PG तथा PhD की डिग्री हासिल होना चाहिए। विस्तृत जानकारी आप विभाग के वेबसाइट में मिल जाएगा। आयु सीमा 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट दिया जाएगा। आवेदन शुल्क 400 रुपया सामान्य वर्ग के लिए, और आरक्षित कोटे में भी छूट मिलेगा। इसमें 400 रुपया, क्षमा करेंगे, 4,000 नहीं 400 रुपया है। वेतनमान वही पे मैट्रिक्स लेवल 13A के अनुरूप। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, और वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन के सामने है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अन्य पद कहाँ खाली है, तो नवार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर सहित 162 पदों पर भर्ती निकाली है। 148 सीटें हैं जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए। राजभाषा सर्विस के लिए 5 सीटें। अब प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर्विस के लिए 2 सीटें तय की गई है। इसके अलावा 7 पदों पर जनरल मैनेजर की भर्तियाँ की जाएगी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट असिस्टेंट मैनेजर ने आवेदन मांगे हैं। शैक्षिक योग्यता हो गया, मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन MBA की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 800 रुपया, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए शुल्क में छूट नियमानुसार दिया जाएगा। कैसे करें आवेदन? तो इस वेबसाइट पे आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आपके स्क्रीन के सामने है। वेतनमान 28,150 से 55,600 प्रति माह मिलेगा। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभिक तथा मुख्य लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर।
ये बड़ा अवसर था लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं तो गेल में 220 पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने प्रबंधक, वरिष्ठ अभियंता सहित 220 रिक्त पदों की भर्ती के लिए दोबारों से 5 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से CA BCom ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी के लिए आप विभाग के वेबसाइट पर जा सकते हैं। आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित कोटे के लोगों को इसमें भी मिलेगा लाभ मिलेगा आरक्षण का। और वेतनमान चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान 50,000 से 2 लाख रुपये प्रति माह। आवेदन शुल्क इन पदों के लिए द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपके स्क्रीन के सामने जो वेबसाइट का पता दिया गया है उस पर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। चयन का प्रक्रिया इन पदों पर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो ये बड़े अवसर थे आज के रोजगार समाचार में। तो दोस्तों इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रोजगार के अवसर के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।